नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डेली की तरह यहाँ पर लेके आ चुका हूँ कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटीआई एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 14 नंबर की वीडियो होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है 13 वीडियो, तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 13 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास हमारी लाइव स्टार्ट होती है डेली रात 8:15 पे, तो आप 8:15 से तैयार रह कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों, डेली की तरह यहाँ पर भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आप यदि आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर हम नीचे जैसे आते हैं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कवर किया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तथा स्टेटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो रोटर क्या होगा। तो उस समय रोटर क्या करेगा दोस्तों, तो रोटेटिंग फील्ड की दिशा में रोटेट करने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलता है। तो दोस्तों, डेली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन और आंसर नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर का संपूर्ण सर्किल डायग्राम खाली स्थान द्वारा बनाया जा सकता है, तो शून्य भार परीक्षण तथा ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण के द्वारा हम आसानी से इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में ओपन स्लॉट के स्थान पर सेमी क्लोज स्लॉट प्रयुक्त किए जाते हैं, इसका क्या लाभ है। यहाँ पर आपसे लाभ पूछ रहा है, तो इसका लाभ यही है कि चुंबकीय धारा क्या होती है, जो मैग्नेटिक करंट होती है वो घटती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि किस उपयोग के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर सर्वाधिक उपयुक्त है, उच्च बलागुण वाले स्थान पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डीसी संट मोटर की क्षेत्र में एसी सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो प्रत्यावर्ती हमारा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई से उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र को दो गुणीय छिद्रों में विभक्त किया जा सकता है, यह किस नियम के अनुसार है, तो ये फेरसिस का सिद्धांत के नियम के अनुसार ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है, तो ये स्लिप अर्थात स्लिप ये आपका कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेरण मोटर की रोटर में ताम्र हानियां होती है तो ऊष्मा के रूप में व्यय होती है, जो कि यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर का फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो प्रेरण मोटर का जो फ्रेम होता है वो ढलवा लोहा यहाँ पर बनाया जाता है, जिसके स्टील ग्रेन बहुत ही समीप हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, रोटर सॉफ्ट की धातु है, तो रोटर जो सॉफ्ट की होती है वो किस धातु की होती है, तो ये माइल्ड स्टील की होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग में प्रयुक्त धातु है तो यह फास्फर ब्रांच की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, थ्री फेज प्रेरण मोटर में 2 वाट मीटर विधि से पावर नापेंगे जब पावर फैक्टर 0.5 से अधिक हो, तो उस समय W1 + W2 से हम मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर की दक्षता निम्न सीमा में होती है, तो ये आपकी होती है 80 से 85% होती है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि NS सिंक्रोनस स्पीड और N मोटर रोटर की वास्तविक स्पीड स्लिप ज्ञात करेंगे तो किस सूत्र से करेंगे, तो इसका सूत्र होता है 1 - N1/NAS, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूत्र साफ साफ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, तो जब एक्जिलरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज एक दूसरे की सहायता करे होगी तब बढ़ेगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बॉल बेयरिंग में बॉल्स में प्रयुक्त धातु है तो कार्बन क्रोम स्टील इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर की कुंडली है तो स्टेटर किस धातु की बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है दोस्तों सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर साफ साफ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रेरण मोटर पर भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणक क्या होता है, तो पूर्ण भार तक बढ़ता है और उसके पश्चात क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, थ्री कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर ये क्या होता है, तो ये कुंडलित होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है, आपने देखा होगा जो यहाँ पर रोटर बनता है उसमें जो उसमें खांचे लगे होते हैं थोड़ा सा आपको तिरछा नज़र आता है, ठीक है, उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो ये क्या होता है,
इसमें प्लेनर मोटर के खांचों को तिरछा बनाया जाता है। इसमें यहाँ से आप पूछ रहा है लाभ क्या होता है, तो इसका लाभ यही है कि मोटर में जो शोर होता है वो कम होने लगता है और मोटर को लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंजरा प्रारूपी एवं स्लिप रिंग प्रारूपी मोटर में मुख्यतः अंतर क्या है, तो स्लिप रिंग इसका मुख्य अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं, त्रिकला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणक लगभग 0.8 पश्चगामी होता है। यहाँ पर आप एक लाइन में आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर में क्रोमिंग का अर्थ है, तो प्रेरण मोटर में जो क्रोमिंग होता है इसका अर्थ है कि मोटर की निर्धारित गति का 10 से 15% होना। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर में वायु अंतराल अर्थात एयर गैप की लंबाई कम करने से क्या होता है, तो ये शक्ति गुणक में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर की गति परिवर्तन की विधि है, तो ये ध्रुवों की परिवर्तन, जो ध्रुवों की संख्या होती है उसमें परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर की गति शून्य से पूर्ण भार गति तक समाप्त हो तक मोटर की स्लिप हो जाती है, तो उस समय कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेरण मोटर की सप्लाई वोल्टता सप्लाई आवृत्ति दोनों परिवर्ती की आदि करने पर क्या होता है, तो उस समय मोटर की गति आदि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर को तुल्यकालिक गति पर चलाने के लिए तो रोटर में रोटर विद्युत वाहक बल की कला एक विद्युत वाहक बल इंजेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मोटर का शक्ति भार अनुपात उच्चतम है, तो ये यूनिवर्सल मोटर होता है जो बहुत ही खतरनाक मोटर भी हो साबित होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर में स्टेटर तथा रोटर के मध्य वायु अंतराल होता है, तो ये आपका होता है 0.58 mm से 1 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि थ्री फेज प्रेरण मोटर स्टार्टिंग के समय कुल लोड धारा का कितना गुना धारा लेती है, तो ये 5 से 7 गुना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फेज प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण प्रायः संभव है, तो 5% तक संभव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि स्टार संयोजन में लाइन धारा तथा फेज धारा में संबंध होता है, तो IL बराबर IPH होता है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आज, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।